हेलो डियर व्यूअर्स, अभी का जो वीडियो है ये वीडियो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों के लिए जो इस साल का कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका सबसे बड़ा सवाल कि भैया आप फाइनली बता दो कि कब एग्जाम कैंसिल होगा या कब एग्जाम का डेट आएगा या क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका पूरा आंसर मैं आपको दे देता हूं। मैं जानता हूं आप काफी ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस है इसको लेकर, तो इसके सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत राहत मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई का एक नया रिप्लाई आया है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा अगले सर लोगों के वीडियो में। साथ साथ ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रिप्लाई का सच्चाई क्या है और एबीपी न्यूज पे आप लोगों का क्या चल रहा है। इतना बड़ा पत्रिका एबीपी न्यूज पे आप लोगों के बारे में क्या बात हुआ है विद प्रूफ। मेरे प्यारे दोस्तों, सारा सबूत स्क्रीन पे चलता रहेगा, आप लोग पढ़ लो। और ट्विटर का क्या इफेक्ट हो रहा है सीबीएसई के ऊपर वो भी बताऊंगा। तो सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का कि एग्जाम कब होगा या कब कैंसिल होगा, ये चीज हमें जानना है। क्योंकि आप लोग हर तरफ से मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि ये चीज प्लीज कोई बताओ कि एग्जाम कब कैंसिल होगा, क्या होगा। आप लोग एक चीज ध्यान दो कि सीबीएसई पहले से, जिस दिन से आप लोगों का कंपार्टमेंट पड़ा उस दिन से वो लोग बोल रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे। उसके पहले भी उन लोगों ने ये जारी किया था कि 14 अगस्त तक हम बताएंगे कि कब एग्जाम होगा। 14 अगस्त तक तो आ भी गया, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। साथ साथ वो लोग हमेशा ये स्टैंड लेकर रहे कि हम आपका एग्जाम लेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। उसके बाद पीआईएल दर्ज हुआ, लड़ाई हो रही है ट्विटर पे आप लोगों के लिए, तो उन लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का, उन लोगों ने फिर से वही पुराना वाला जवाब उन लोगों ने दिया कि हम एग्जाम लेंगे। और थोड़ा बहुत इधर उधर एक्सप्लेन कर दिया लो कि बच्चों का लाइफ खराब हो जाएगा अगर वो लोग एग्जाम नहीं देंगे, तो बच्चों का एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो मान लेते हैं आप लोग का ये जवाब था। अब क्या होगा, तो आप अब उन लोगों ने क्या किया है, एग्जाम कब होगा। देखिए, उन लोगों ने एग्जाम को होल्ड कर दिया है। एग्जाम को होल्ड करने का मतलब यही है कि वो लोग खुद भी नहीं जानते कि आपका एग्जाम कब लें, कब कंडक्ट कराएं। इसका रीजन आपको मैं बता देता हूं। कल पिछले वीडियो में जाकर देखिए, मैंने वहां पे बताया कि एचआरटी मिनिस्टर लाइव सेशन में यही बोले, एक घंटे का लाइव सेशन में, कि हम लोग सिचुएशन को देख रहे हैं, मतलब सरकार भी सिचुएशन को देख रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, बोर बिल्कुल ना हो, पंजाब सरकार ने भी नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहा है, उसका भी डिटेल्स देने वाला हूं, बोर बिल्कुल मत रहिएगा। यही हो रहा है कि गवर्नमेंट भी होल्ड करके सोच रही है कि क्या किया जाए। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि आपका एग्जाम एकदम कंफर्म होगा बोल के, ये भी कोई फैसला नहीं है। सीबीएसई तो वही बात फिर से दोहरा दिए। अब आप लोग का जो एग्जाम होने के चांसेस है सितंबर में कहा जा रहा है। सितंबर में तो स्कूल खुलेंगे ही नहीं, खुलेंगे भी तो अलग तरीका से। एबीपी न्यूज का आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर, एबीपी न्यूज क्या कह रहा है। अगर आप लोग ये न्यूज देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे सर्च करें, एबीपी न्यूज आपको मिल जाएगा, या फिर इसका पूरा डिटेल जानने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या कहा गया, कल का न्यूज आप लोग ध्यान से देखो। ये कहा जा रहा है कि स्कूल खुलेंगे नहीं सितंबर में, तो खुलेंगे नहीं। अगर खुलते भी है तो 1 से लेकर 10 तक एग्जाम स्कूल पूरा बंद रहेगा, 11 और 12 का खोला जाएगा। तो फिर क्या होगा, हायर एजुकेशन मतलब हाई स्कूल का जब खोला जाएगा, इसका मतलब 10 के कंपार्टमेंट वाले बच्चे एग्जाम नहीं देंगे क्या, खाली 12 वाले ही देंगे? ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं बता रहा हूं ना कि सब कुछ निर्भर है। यहाँ पे देख लीजिए, उन लोगों ने यह भी कहा है कि कोविड के वजह से, एबीपी न्यूज। तो मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि जो भी है वो एक ही चीज पे निर्भर है, वो है कोरोना वायरस। अगर कोरोना वायरस ठीक नहीं होता है, आप लोग भूल जाओ, इस साल का स्कूल भी भूल जाओ, स्कूल भी नहीं होने वाला, एग्जाम भी नहीं होने वाला, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है। और एक चीज, चलिए इसका आंसर मैंने दे दिया कि आप लोग अभी कुछ फाइनल नहीं है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी सब हम लोग संभाल रहे हैं। अब देखिए, देश में आखिर हो क्या रहा है। जब देश में 20 से लेकर 30 हजार तक केसेस आते थे, तब सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिए गए। अब जब 50 से 60 हजार केस आ रहे, तो ये लोग बात करें कि एग्जाम लिया जाए, स्कूल को खोला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, क्या हो रहा है। सीबीएसई तो शर्म करो, सीबीएसई शर्म करो, क्या कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। और एक बात, सीबीएसई का रिप्लाई जो है ट्वीट का वो देख लीजिए, वो लोग बोल रहे हैं कि आप जाके हमारा वेबसाइट देखिए, सारा डिटेल्स दिया हुआ है कब एग्जाम होगा, क्या होगा। ठीक है ना, सर ने फिजिक्स लिंक, सर ने क्वेश्चन पूछा था तो उन लोगों ने रिप्लाई किया। उन लोगों का कहने का क्या मतलब है, वो आप लोग अगर नोटिस देखने जाओगे तो वही पुराना नोटिस मिलेगा। तो ये लोग दो इंडिकेट किया है, दो चीज। एक इंडिकेशन कि जाके देखो वही पुराना न्यूज जो हम लोगों ने वहां रखा है। दूसरी चीज कि ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे, न्यूज में तो कुछ है नहीं, आप वेबसाइट में जाके देखो ना, कल इन लोगों ने रिप्लाई किया है तो कुछ है, अगर है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं इसका भी रिप्लाई दूंगा। तो ये लोग खुद भी कंफ्यूज है। पंजाब सीएम देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप लोग कहते हो हमारे साथ कोई नहीं है, सब है, यूट्यूबर्स, सीएम, गवर्नमेंट, जो भी लोग हैं, सब लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, सब लोग आपका एग्जाम को कैंसिल कराना चाहते हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है मोदी जी को डायरेक्ट टैग करके, आप देख लो, डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चों को आप इतना ट्रैवल क्यों कर रहे हो, चाहे वो यूजीसी के हो बच्चे या फिर कंपार्टमेंट। यूजीसी और आपका बहुत सारा लिंक है, उन्हीं से आप लोगों का लिंकअप है। अगर वो लोग का एग्जाम कैंसिल होता है या उनके साथ कुछ भी होता है, तो ऑन द बेसिस आप लोगों के बारे में भी वही चीज किया जाएगा। आप देख लो, खुद भी देखो मेरे प्यारे दोस्तों, खुद भी देखो आप लोग, बिहार बोर्ड कितनी अच्छी बोर्ड है, जो बच्चे ईआर में है, जो कंप्लीटली फेल है, इस साल फेल है, उन लोगों को पास कराने के बाद चलना शुरू है। न्यूज में भी छपा था, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये लोग बात करें कि उन बच्चों को भी पास करा दिया जाए। तो शर्म करो सीबीएसई, आप लोग तो फेल हुए बच्चे को तो लाइफ बर्बाद कर चुके हो। जो लोग कंपार्टमेंट में है, जो लोग एग्जाम को अपना आगे के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे, उन लोगों के बारे में तो कुछ तो सोच लो सीबीएसई, शर्म कर लो थोड़ा।
अब मेरे प्यारे दोस्तों मेरा ट्विटर अकाउंट है, मैं शुरू में भी दिखा दिया हूं, अभी भी दिखा दे रहा हूं। ट्विटर का फायदा यह हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग खुद देखिए मेरे साथ जो लोग ट्विटर पे है वही लोग जानते हैं, जितना रीट्वीट हो रहा है, जितना अपलोड हो रहा है वो लोग परेशान हो रहे हैं, जितना यूट्यूब पे वीडियो बन रहा है वो लोग इरिटेट हो रहे हैं कि आखिर कंपार्टमेंट इतना क्यों हो रहा है, इसीलिए वो लोग डर के मारे आप रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई करना शुरू कर दे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग ट्विटर पे जाकर रीट्वीट करते रहिए। तो एबीपी न्यूज का आप लोगों को मैंने दिखा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, यही सब थी आज की बड़ी खबरें। हर तरफ यही मांग है कि एग्जाम को कैंसिल कराया जाए, कोई एग्जाम नहीं देना चाहता, ठीक है। इसी बीच मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो भी अपडेट आएगी छोटी सी छोटी रात के वीडियो में 7 से 8 के बीच आप तक पहुंच जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें, टेंशन बिल्कुल ना करें और पढ़ाई करते रहे मेरे प्यारे दोस्तों।